मंदिर क्या प्राइवेट जमीन पे बना है गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जमीन पे बना था एक्सचेंज हुआ है ए, कलेक्टर साहब क्या प्रोविजन पढ़ते नहीं है क्या जी कलेक्टर साहब प्रोविजन पढ़ते नहीं है क्या अब ये तो सब सरकारी है? जमीन तो भाई साहब वो राजाओं महाराजाओं की सोने की चेंज ऐसी है जो भी अफसर आता बांट देता है तहसीलदार लिख रहे हैं कि मैंने 674 पे कब्जा कर लिया और मेरा मकान जो है 701 708 पे बना हुआ है तो कैसे छह सौ 674 के आदेश में मेरा मकान 701 और उस, 708 पे गिरा दिया जाए स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है एस ने कोई देखा नहीं कुछ भी नहीं किया उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा आया इसीलिए मैं तो छह सौ तो चौहत्तर वाला है इतने, इतने, इतने इसी पे रखेंगे इसमें क्या है नहीं मगर हमारा तो 701 पे डिमोलिश किया है उन्होंने वो कहां ऐसा कि जबरदस्त ये ये आप देखें साहब ये हमने डिमोलिश हो गया है थोड़ा स्ट्रक्चर बचा है थोड़ा थोड़ा क्या बचा मतलब तो, तो कहने कालम खड़े हुए हैं ऊपर तो खड़ा रह गया मतलब तो आप रह नहीं पा रहे हो हाँ ये तो सब देखें पेज 44 जहाँ नक्श अब उसका डिमोलिश हो गया है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है अब तो आपको कंपनसेशन ही क्लेम कर सकते हैं और रेस्टिट्यूशन ऑफ पोजीशंस कर सकते हैं पोजीशन तो अभी हमारा बकाया है क्योंकि कालम खड़े हुए हैं आई एम कैरिंग माय कालम से उनका तो कैसे हो गया सर सब... नहीं सर पोजीशन इस तरह का है ऊपर का उन्होंने ढा दिया कालम खड़े हुए हैं आपने 708 सौ खरीदा था सात के साथ एक्सचेंज किया सात हाँ। सौ में मकान बना हुआ है नहीं ये जो है ना आप कह रहे हैं कि सात सौ एक सात सात का बाद में एक हो गया है ये हाँ वो कैसे पता चला सात सात है ये अब नक्शा देखना साहब सात सौ सात नहीं है नहीं सात सौ देखिए आप मंदिर क्या प्राइवेट जमीन पे बना है गवर्नमेंट लैंड गवर्नमेंट की जमीन पे बना था इसीलिए गवर्नमेंट एक्सचेंज हुआ है गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर बना था एक्सचेंज का प्रोविजन कौन सा है इसा? जी एक्सचेंज का प्रोविजन कौन सा है एमपीएल कलेक्टर की परमिशन एमपीएलआर कोर्ट का सर ये सब देखेंगे पी सर एमपीएलआर कोर्ट में प्रोविजन कौन सा है सर सब एक्सचेंज के बारे में तो एमपीएलआर कोर्ट में क्या प्रोविजन मेरे को वन सिक्सटी सेवन है वन सिक्सटी सेवन आवेदक उपस्थित प्रकरण में राजस्व निरीक्षण समिति की राय है अतिरिक्त निर्देशित किया जावे रिपोर्ट के साथ समिति की अनुशंसा भेजा जा। चाहिए इस प्रकरण में विनिमय में, में कोई आपत्ति नहीं है अब इसकी अनुमति दी जाती है ये कलेक्टर है रिटर्न अब ये देखें साहब 167 जो है कलेक्टर साहब क्या प्रोविजन पढ़ते नहीं है क्या जी कलेक्टर साहब प्रोविजन पढ़ते नहीं है क्या

तो एक्सचेंज में तो उन्हें हमको पोजेशन दे दे जैसे कवर्ड है पोजीशन में हमको सरकारी जमीन तो भाई साहब वो राजाओं महाराजाओं की सोने की चेंज ऐसी है जो भी अफसर आता बांट देता है तो हमको दे दिया सर मतलब हमने नहीं। तो ये तो बताइए ना सर कि ये कैसे एक्सचेंज पॉसिबल था सब अगर मान लो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है और कलेक्टर ने अगर कर भी इट इज एनएलिटी आपका है आप 706 पे रहिए हाँ तो वही पर आपका तो 701 से हटाया गया है नहीं ये सात जो है 707 का है ये सात 707 पे मेरा मकान बना हुआ है आपने सरकारी जमीन के ऊपर एंक्रोचमेंट किया हुआ नहीं एक्सचेंज उन्होंने हमको दी तो हमने कर दिया नहीं सर सवाल इस बात का कि एक्सचेंज में नहीं है सर देखिए साहब ऐसा है प्रोमिसरी स्टॉपर ऐसा कुछ नहीं है हाँ आपने सरकारी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रखा था। मगर उन्होंने इंक्वायरी के साथ तो सर। हाँ। और सरकारी जमीन पे इंक्रोचमेंट कर रखा था तो सरकारी जमीन से इंक्रोचमेंट हटाने के बजाय एक्सचेंज कर दिया और आपकी जमीन ले ली और सरकारी जमीन आपको दे दी कोई प्रॉब्लम नहीं हमको अब आप ये बताइए कि एक्सचेंज एम पी एल आर में कैसे हो सकता था कोई एग्रीकल्चर लैंड थी क्या नहीं है एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं थी कलेक्टर कैसे कर पता सवाल इस बात का है एक्सचेंज अगर मान लो आपने कर दिया और एफआईएम प्लेस इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी आपका 707 701 में कब कन्वर्ट हो गया सर बता ये बताएं ये 707 701 नहीं ये सब 707 सा, ही सा, है ये सवाल इस बात का आता है आपको तो 701 से हटाया गया है तो ये सात सौ एक में कन्वर्ट हो गया मैं बता रहा हूँ बस वो बता दो ये सब हमने सात सौ आठ उनको दी है उन्होंने हमको सात सौ सात दिया है जी हाँ हटाया आपको सात सौ एक से क्या है नहीं। सात सौ सात से हटाया गया है अभी तो आपने सात सौ कोई बात नहीं सर अभी कैसे कहेंगे कि सात से हटाया है ये ये जो है नोटिस उन्होंने दिया है कनेक्शन जी छह सौ पचहत्तर है छह सौ पचहत्तर है, 645 है? हाँ तो वही तो मैं कहना है इंक्वायरी आप... आपने छह सौ पचहत्तर में भी कब्जा कर रखा हुआ नहीं हमारा कोई कब्जा नहीं तो छे सौ पचहत्तर से जो हट गया हट जाने दीजिए क्या प्रॉब्लम है सवाल इस बात का है कि पचहत्तर की इंक्वायरी करके हमको सात सौ सात से आप हटा रहे हैं कहा लिखा है आपने की आपको सात सौ सात से हटाया गया है यही तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपकी पिटिशन ने कहा और मेरे कि आपको सात सौ सात से हटा दिया गया है ये सब पिटीशन 707 ही की है मेरी सब कहा लिखा है कि हटा दिया गया है 707 तो से हटाया गया हम तो दो मिनट पे मैं तो पर पर। मोहन जी को तो परेशान कर देते नोटिस दोगे किसी और नंबर हटाओगे कहीं और से ड्यूली सर्व टू दी पिटिशन नोटिस है ड्यूली सर्व टू दी पिटिशन नहीं नहीं ये नहीं कह रहा हूं देयरफॉर आपका ये कहना है कि छह सौ पचहत्तर का नोटिस देके सात सौ सात में से हटा दिया तब तो फिर आपको आंसर देना पड़ेगा जी जी। बताए तो सर तो सात सौ सात में से हटाया है ये साथ देखेंगे आपकी पिटीशन बताइये पेज नंबर ट्वेल्वर इज दूट प्रॉपर्टी कोई प्रॉब्लम नहीं एक लाइन बताइए कि आपको 707 में से हटा दिया गया है कहा लिखा है आपने सात सौ सात से हटाया गया अरे तो बताइए ना सात सौ सात से आपको हटाया गया वाटर द से बाउट इट देखो बताइए स्वप्निल तो जी ये yes, सब दी ओल्ड फैशन नंबर आप सीजन लॉयर्स हैं सीजन लॉयर्स हैं उनका क्वेरी के प्रति कैसे रिस्पांस आता है आप उसको समझिए ही डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द क्वेरी वो उनसे कह रहे हैं कि आप क्लियर बताओ कि कहां लिखा है आपने जिससे कह रहे हैं आपने से बहस करवा रहे हैं यही डिफरेंस होता है एक हमने जब वकालत सीखी थी तो उस समय के वकीलों का जो स्टैंडर्ड हमने देखा था और सीखा था यही तो हम बार बार कहते हैं ऑल दो यू आर स्माइलिंग मैंने कहा इसको क्लैरिफाई करें इट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्माइलिंग भाई इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द्वेरी तो हमसे बहस तो करवा रहे हो बताओ तो सही लिखा कहाँ है एक्चुअली हम लोग उस जब उस माहौल में वकालत सीखे हैं सर तो आज का माहौल थोड़ा सा अनइजी लगता है ये सब इसमें थोड़ा सा ये मेंशन किया है पता है सर हाँ ये पेज तेरा के ऊपर पेज तेरा हाँ

ऑर्डर भी छह सौ पचहत्तर और कार्रवाई और का, कार्रवाई भी जो है छह की की गई है हाँ। और ये तहसीलदार ने ऑर्डर किया है छह सौ पे मगर इन प्लेस ऑफ छह सौ चौहत्तर सात सौ रिक्वायर्ड टू बी सोन बिफोर बस बस उतना हाँ। बताइए हम लोगों ने वकालत इस माहौल में सीखी थी ये क्वेश्चन है इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड दीजिए तो एक वो आदत करें आप तो एक वो आदत पड़ी हुई है आ, तो वो इरिटेशन होता है जब वो हाँ जब उसको इधर उधर घुमाने की कोशिश होती है अच्छा जो कुछ लिखा हुआ है तो वी हैव टूDemonstrate चाहे गलत लिखा हो चाहे सही ओके ओके ओनली देन आई कैन आस्क देम टू फाइल टू आंसर देयर माने वी आर अंडर ए obligation to state all the facts are either wrong or right. We are assisting the administration of justice. मैं बार बार यही तो कहता हूँ ये बताइए कि सात सौ से कब्जा हटाया गया है आपका देखिए आप एक्चुअल जयसवाल जी एक्चुअल डिस्प्यूट है हाँ ऑर्डर था दूसरे खसरा के लिए हटा दूसरे खसरे से कब्जा दिया ये तो फैक्चुअल डिस्प्यूट है आपको तो एविडेंस तो evidence आपको बताना पड़ेगा आपको स्पेसिफिकली प्लीट करना पड़ेगा और अगर आपने 674 पे भी कब्जा कर रखा था तो वो हटाया गया तो क्या गलती हम तो उसको क्लेम ही नहीं कर रहे तो जयसवाल जी ये आप बस इतना से एक लाइन बता दीजिए कि 674 का ऑर्डर एग्जीक्यूट करके हमारे सात सास से पोजेशन हटा दिया कब 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 था सर सर पहले 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 मुझे मुझे थोड़ा किया किया गया गया तारीख बताइए फाइल करने के बाद के बाद पहले? पहले। दिया नोटिस उन्होंने हमने जवाब दिया तीन दिन में हटा दिया नहीं सर मैं कुछ और पूछ रहा था अगर बाद में हटाया तो फिर ये प्लीडिंग नहीं हो सकती थी पहले हटा दिया परंतु अब आप बताइए जायसवाल जी जब हटा दिया गया था तो आपको रेस्टोरेशन और पोजेशन मांगना चाहिए था चारों पिलर खड़े हैं दीवार खड़ी है, है फोटोग्राफ किया सवाल वो नहीं है तो जब जो जितना तोड़फोड़ हो गया था उसका रेस्टोरेशन की तो कोई आपने वो रिलीफ ही नहीं है सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि पजेशन तो मेरा इसलिए है नहीं नहीं कोई बात नहीं हाँ। अगर सर सुपर स्ट्रक्चर अगर तोड़ा जाता बस... है तो उस पर जो नुकसान हुआ उसके लिए भी कुछ नहीं है तो इसको हाँ, मांगना चाहिए कुछ कहना की आपने ये कहा लिखा है कि आपका ये सब तोड़ा गया किस तारीख को वो पिटिशन में भी नहीं है सब ड्यू रिस्पेक्ट आई प्रेट इफ दिस कोर्ट के कल तक का हमको समय देंगे सो आई मे मे वेरीफाई एट द रिक्वेस्ट ऑफ काउंसिल फॉर पिटिशन आई लिस्ट टुमारो टू क्लेरिफाई एज टू वेदर द पिटिशन वाज डिस्पोजेस फ्रॉम कस्टा नंबर 707 और फ्रॉम 674 ऑब्लिक और 675 आई लीव लाइक वेरी काइंड ऑफ यू एंड द डेट ऑफ